नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हमारा जो रोज का आर्थिक मामलों का बुलेटिन है, खर्चा पानी शुरू हो चुका है। आज हमारे गेस्ट हैं राजीव दुबे, फॉर्च्यून इंडिया के संपादक। राजीव जी नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्कार सिद्धांत, अच्छे हैं। अच्छा, तो हफ्ता कैसा गुजरा, कैसी खबरें आती जाती रही? देखिए, इस साल इस हफ्ते में तो मोस्टली जो जो स्टॉक मार्केट में और जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज अप्रोच कर रही हैं, जैसे नायका का अप्रूवल हुआ और आपका अभी पेटीएम का अप्रूवल हुआ, तो वो आई थिंक सबसे ज्यादा जो एक्साइटिंग टाइम रहा स्टॉक मार्केट के लिए वो इनके अप्रूवल्स ही रहे हैं। और उसकी वजह से काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रहा है इस वक्त मार्केट में। उसके अलावा अगर आप देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें धीरे धीरे कुछ कुछ सुधार होता नजर आ रहा है, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं जो जो इन्वेस्टमेंट है हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, वो हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में वो थोड़ा गिरा है। और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो सरकार प्रोजेक्ट कर रही थी, वो हाईवे के अवार्ड्स में भी और हाईवे के बिल्डिंग में भी काफ़ी गिरावट आई है। तो उसकी उसकी वजह जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि क्यों हो रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज मेरे ख्याल से जैसे जैसे इकोनॉमी खुलती जा रही है और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, अगर केसेस नहीं बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी में काफ़ी आपको चाल नजर आएगी। हाँ, लेकिन केसेस को लेकर एक थोड़ी सी फिर से शंका घिरने लगी है कि कर्नाटक और तमाम राज्यों में जिस तरह से केसेस और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो दिखाई दे रहा है, उसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि शायद स्थितियां और फिर से बिगड़ सकती हैं, स्पेशली कर्नाटक वगैरह जैसे इकोनॉमिकली एक्टिव राज्य को लेकर, जहाँ पे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद फिर से लॉकडाउन की आमद हो सकती है उस राज्य में। तो जो होगा सो होगा, और पिछले दिनों खर्चा पानी में राजीव जी उन्होंने डिस्कस भी कर रहे थे कि इकॉनमी जब एकदम बहुत स्लो रिकवरी मोड में है और उसमें शेयर मार्केट इतनी ज्यादा तेजी में है, तो ये डिस्कनेक्ट जो है कितना बड़ा कितना छोटा है, तो इस पर हम बातचीत कर भी चुके हैं। बहरहाल, आज के खर्चा पानी में हम बातचीत करेंगे अडानी पोर्ट्स की, अडानी समूह का जो की एक और एंटिटी है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स को दूसरे क्वार्टर में नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, और उस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करेंगे हम भारत के विदेशी मुद्रा कोष पे, और आखिर में हम बातचीत करेंगे हमारे ईमेल में आने वाले विज्ञापनों पर, क्यों, और वो दिवाली से जुड़े हुए हैं तो क्यों वो विज्ञापन इतने बहस तलब हो गए कि उन्हें खर्चा पानी मिले रहे हैं, तो बातचीत किया जाएगा। सबसे पहला अडानी पोर्ट्स, राजीव जी, अडानी पोर्ट्स का दूसरे क्वार्टर का जो नेट लॉस है साल दर साल के आधार पर, ईयर टू ईयर बेसिस पे, वो 31% का लॉस है। मतलब ये छोटा मोटा लॉस होता तो हम मान लीजिए इस खबर पे बातचीत भी नहीं करते, लेकिन अडानी पोर्ट्स का लॉस है ये, और 31% का लॉस बड़ा है। वो 1394 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे थे, उनका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ और 968 करोड़ रुपए पे आ गया है। और कंपनी ने जो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना म्यांमार में जो स्क्रैप का एक्सपोर्ट का काम था उनका, तो उस प्रोग्राम को भी वो बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल राजीव जी, कितना बड़ा लॉस है ये? सो किस किस इसका स्केल कितना बड़ा है, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, मेरे ख्याल से जो सी सबसे पहले तो जो लॉस हुआ है उसकी वजह है एक एलोकेशन, करीब 400 करोड़ के जो का एलोकेशन उन्होंने किया अगेंस्ट जो टैक्स की कोई डिमांड आई है, उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है उनकी रिलीज में या उनके डिटेल्स नहीं दिए हैं, लेकिन कोई टैक्स की डिमांड आई है सॉफ्टवेयर SEIS पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो अच्छा, वो उनको एलोकेट जो स्टैट्यूटरी एलोकेशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी टैक्स अथॉरिटी आपसे कुछ क्लेम करती है तो वो आपको फिर उसका एलोकेशन उस साल के उसमें करना पड़ता है। ITC का अगर आपको ध्यान है कि ITC के ऊपर 700-700 करोड़ रुपए का एलोकेशन टैक्स का क्लेम था, तो उसको उस साल में उनको एलोकेशन किया करना पड़ा। लेकिन अगर आप मान लीजिए लेटर ईयर्स में
आप वो केस जीत जाते हैं तो उसको आप वापस अपने प्रॉफिट्स में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो जो ये लॉस आप देख रहे हैं वो लार्जली लार्जली जो हुआ है वो उस एलोकेशन 400 करोड़ के करीब का एलोकेशन की वजह से हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए अदानी पोर्ट्स में एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपने आप को एक पोर्ट कंपनी ना मानकर अपने आप को एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे? एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो अपने अपने बिजनेसेस जो बढ़ा रहे हैं उनमें रेल जैसा बिजनेस है, लॉजिस्टिक्स जैसा बिजनेस है, तो पोर्ट के बिजनेस से जो रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेसेस हैं उनमें अपनी अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं, उसमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने और जो उनके कार्गो का कैपेसिटी है या उसकी जो जिस तरह का कार्गो वो उठाते हैं उसको बेसिकली डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक किसी सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट होता है तो उनके टोटल पोर्ट बिजनेस पर और वो पोर्ट पोर्ट बिजनेस पर टोटल इम्पैक्ट नहीं हो उसका। तो ये ट्रांजिशन इस वक्त जारी है अदानी पोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें कुछ साल लगते हैं, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, क्योंकि तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे इनके बिजनेस में कुछ साल तक, मे बी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के करीब क्वार्टर्स में, 4-6 क्वार्टर्स में। उसके बाद आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से उसमें नजर आने लगेगी, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का वो सिर्फ कंसिस्टेंसी है और एक बिजनेस या फिर एक तरह का बिजनेस या एक तरह का कार्गो पे ओवर डिपेंडेंस कम करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। मतलब ये जो लॉस है वो ट्रांजिशन में जाने वाला लॉस है, ये मतलब वैसा लॉस है कि जैसे आप वन टाइम चलती एलोकेशन और ट्रांजिशन। मतलब चलती दुकान को अगर आप तोड़ ताड़ के नए सिरे से बनवाना शुरू करिए तो कुछ जी समय तक आपकी बिक्री में गिरावट आती है, जी और फिर दुकान बन जाती है तो जी आपको आपकी बिक्री आपके एंटिसिपेटेड तरीकों से बढ़ती है। तो जी यहाँ पे सवाल राजीव जी ये है कि क्या इतना बड़ा ट्रांजिशन स्टेप अडानी समूह क्यों ले रहा है, क्यों ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जा रहा है कार्गो से? देखिए, बहुत सारे ऐसे ऐसी कंपनीज हैं जो जो इन एरियाज में अपने अपने ओवर डिपेंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से पिछले 2 सालों में ये स्ट्रेटजीज आपको ज्यादा नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह का एक झटका लगा है कंपनीज को और इंडस्ट्रीज को और पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को, तो उसमें ये बहुत जरूरी हो गया है बहुत सारी कंपनीज के लिए कि वो अपने स्ट्रेटजीज को, अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को री लुक करें, री री एग्जामिन करें, और ये देखें कि अगर ऐसा या इससे कम भी कोई कोई सिचुएशन आती है जिससे कि उनकी बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है तो उसको कैसे नलिफाई करें या उसको कैसे मॉडरेट कर सकें अपनी अपनी कंपनी की बैलेंस शीट्स पर। अदरवाइज क्या होता है कि मान लीजिए आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर ये जैसे मान लीजिए पोर्ट बिजनेस हुआ, पोर्ट बिजनेस में आप कैसे अपने आप को एक्सपैंड ऐसे कर सकते हैं जिससे कि आपकी सिनर्जी भी बनी रहे और आप उसमें एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं रहे। जैसे मान लीजिए एयरलाइन बिजनेस है, अब एयरलाइन बिजनेस में आप कैसे सोच सकते हैं कि क्या किया जाए कि आप उसकी डिपेंडेंस अपनी सिर्फ एयरलाइन की बिजनेस पर कैसे कम कर सके। तो ये सारी कंपनीज अपने आप में इस तरह की स्ट्रेटजीज पर री एग्जामिन कर रही हैं। हर बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं होता है, उनके बिजनेस में ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी और ऐसे ऐसी सिनर्जीज थी जिनको वो कर सकते हैं। मान लीजिए होटल के बिजनेस में हैं आप, तो होटल के बिजनेस में आप क्या कितना एक्सपेंशन ऐसे सोच सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा टैक्सी के बिजनेस में जा सकते हैं या फिर फूड के बिजनेस में जा सकते हैं, लेकिन इनके बिजनेस में ये शायद पॉसिबल था और उसको उन्होंने अडेप्ट किया और अडॉप्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद वो ये मानते हैं कि उनका उनका ये जो मॉडरेशन होगा वो उनके लिए उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा।
मॉडरेशन फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। अब इसमें मुझसे लोग सवाल पूछ रहे थे कि बार बार की एक घटना हुई थी अडानी के पोर्ट्स पर ड्रग्स पकड़े जाने, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट है? लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, वो सितंबर क्वार्टर तक की ये बात है, ये घटना तो एकदम नई ताजी है, कैसे इम्पैक्ट देखिए दिखा सकता है? देखिए, पोर्ट्स में मेरे ख्याल से इसका दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। जो कनेक्शन लगाया जा रहा था वो ये था कि म्यांमार का जो उन्होंने प्रोजेक्ट शेल्व किया है उसकी वजह से कुछ लॉस हुआ होगा, बट वो मेरे ख्याल से कोई 25-30 मिलियन डॉलर उन्होंने एडवांस पेमेंट किया था, और उसके अलावा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे 25-30 मिलियन डॉलर से पड़ने वाला नहीं है एज अ बिजनेस जहाँ तक है। और उसका जो बड़ा जो बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो वहाँ के म्यांमार में पोर्ट बनाने का, वो जो है इन्होंने यूएस की अथॉरिटी से उनसे अप्रूवल मांगा था, उनसे लाइसेंस मांगा था कि उनकी पॉलिसीज को वायलेट नहीं करता है उनके। और दूसरा उनके ऊपर एक और एलिगेशन था कि उन्होंने किसी तरह का ब्राइबरी का एलिगेशन था जिससे कि उनको ये प्रोजेक्ट मिला, तो वो उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि ये ग्लोबल टेंडर था। एनी विच वे, उस पूरे वाक्य में जो है उनका टोटल आउटगो मेरे ख्याल से 25-30 मिलियन डॉलर के करीब रहा होगा जो इनिशियल पेमेंट हुआ था, और जो इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में उस कंपनी को वो फिर या तो क्लोज करेंगे, 120-130 मिलियन डॉलर का टोटल इन्वेस्टमेंट था उसको कंपनी को, या क्लोज करेंगे या उसको कंपनी को बेचेंगे। चल अगली खबर पर चलते हैं। अडानी पोर्ट सारी बातचीत होगी, और अगली खबर पे ये है कि भारत के पास विदेशी मुद्रा कोष है, आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व जो है, उसका साइज काफी बड़ा हो चुका है। राजीव जी, जो खबरें आ रही हैं, फॉरेक्स रिजर्व का साइज जो है वो सितंबर 2021 के आखिर तक वो 635 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से था। इतना इतना क्या सोच रहा था, जबकि मार्च 2021 में मुश्किल 4-5 महीने पहले ये जो फॉरेक्स रिजर्व था वो 576.98 बिलियन US डॉलर के आसपास था। मतलब मिला जुला के 58 बिलियन डॉलर का सर्ज देखा गया है भारत के फॉरेक्स रिजर्व। अच्छा, यहां पर इस खबर को डिस्कस करने के लिए मैं एक दो चीजें पॉइंट्स आपसे बात करना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी। आरबीआई की उस रिपोर्ट में कहा गया था कि वो इंटरनल ही रिपोर्ट थी, आरबीआई जैसे कई सारे रिपोर्ट जारी करता रहता है, कि शायद आने वाले समय में फॉरेक्स रिजर्व में इन्वेस्टमेंट एक प्रॉफिटेबल डिसीजन हो सकता है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि आप करते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 सालों तक आपको 10, 12, 11, 13, 14% ऐसा कुछ था, आपको ऑगमेंट होके आपका रिटर्न वापस मिल सकता है इन्वेस्टमेंट जो है। तो मिला जुला के क्या आरबीआई का इस समय फोकस फॉरेक्स रिजर्व को बूस्ट करने पे है? और यहां पर यह भी एक सवाल मैं दाग दूं कि फॉरेक्स रिजर्व, जाहिर सी बात है, ज्यादा पैसा किसको अच्छा नहीं लगता आप, लेकिन सेचुरेशन का एक पॉइंट होता है कि क्या सेचुरेशन के पॉइंट से बार पार चीजें जाएंगी तो चीजें खराब भी हो सकती हैं। तो क्या फॉरेक्स रिजर्व को लेकर आरबीआई की क्या योजना है और इसके फायदे और नुकसान क्या है? राजीव जी, देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स है जो आप बता रहे हैं 58 बिलियन डॉलर्स, उससे अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अगर आप जनवरी 2000 की तरफ जाएंगे, जनवरी 2020 की तरफ जाएंगे, वहां से अगर आप देखिए तो फॉरेक्स रिजर्व्स की बढ़ोतरी ऑलमोस्ट 40% हुई है। 400 बिलियन डॉलर होता था, अभी 600 से ऊपर है, 400 कुछ बिलियन डॉलर होता था। तो 15-18 महीने में जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा करीब 40% बढ़ चुका है। अब इसमें देखिए, जो कई इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व आपका कितना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, अरविंद सुब्रमण्यन ने एक 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 पेपर किया था, कि उन्होंने एक पेपर लिखा था, उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि भारत की जो इकोनॉमी है, साइज है इकोनॉमी का, या भारत की इकोनॉमी के ऊपर जितने भी खतरे हैं उसके उसको देखते हुए भारत की इकोनॉमी का, भारत का फॉरेक्स रिजर्व 1 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखिए जो अभी भारत की फॉरेक्स रिजर्व्स है वो अबाउट 1/5 ऑफ हमारा जीडीपी है, 1/5। और अगर चाइना का आप फॉरेक्स रिजर्व्स देखिए तो चाइना के फॉरेक्स रिजर्व्स इस वक्त भी उनकी 1/5 ऑफ जीडीपी है। तो
तो दोनों डेवलपिंग इकोनॉमीज, दोनों फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का मेरे ख्याल से जो इस वक्त का फॉरेक्स रिजर्व्स का रेशियो है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, और ये फॉरेक्स रिजर्व्स भी आपके लिए काफ़ी होते हैं आपकी आपकी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ वो कोई 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 ऐसी आपदा आती है या कोई ऐसी ऐसी इम्पैक्ट वॉर कैलामिटी कुछ भी, हाँ हाँ वॉर कैलामिटी, तो उसको भी झेलने के लिए ये फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी हैं। जो भारत ने ये जो स्टेप लिया है 40% अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने का पिछले दो साल में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इस वक्त जो है जो अमेरिकन इकोनॉमी में जितना लिक्विडिटी बढ़ाई गई तो भारत को उनकी ट्रेजरीज खरीदने का बहुत अच्छा मौका मिला, और वो स्टेबलाइज करता है आपके फॉरेक्स रिजर्व्स को। मतलब वहां पे मार्केट में पैसा छोड़ा गया तो भारत ने सोचा कि अपने फॉरेक्स रिजर्व में को डाइवर्ट किया जाए थोड़ा। जी, तो उन्होंने भारत ने जो उसकी कॉस्ट थी ट्रेजरीज की खरीदने की और उसको उसमें इन्वेस्ट करने की, वो इस वक्त काफी कम थी, और सो तो भारत ने उसका भरपूर फायदा उठाया और हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ये जो $200 बिलियन का एडिशनल फॉरेक्स रिजर्व्स लिए गए वो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी हैं। अगर मान लीजिए अगर आप आज से और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है तो उस हिसाब से आपको फॉरेक्स रिजर्व्स वैसे भी बढ़ाने होते हैं, तो अगर 1/5 का रेशियो हम रखें तो 1/5 का रेशियो से हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स और इकोनॉमी के रेशियो को बढ़ता हुआ देख सकते हैं और कर सकते हैं। जहां तक फॉरेक्स रिजर्व्स को यूटिलाइजेशन करने का सवाल है, देखिए ये जो 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 पेपर था या फिर ऐसे बहुत सारे सजेशंस आते रहते हैं, रोड्स मिनिस्टर ने भी एक सजेशन दिया था कि हमको फॉरेक्स रिजर्व्स को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। देखिए इसमें बहुत बहुत सारे स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको आप डाइवर्ट अगर किसी ऐसे इंडस्ट्री में या ऐसी जगह पर करना चाहें जहां पे आपको आपको लॉसेस का खतरा हो, या फिर जहां आपके रिटर्न्स उस लेवल तक नहीं आ सकें कि आप उसको फॉरेक्स रिजर्व्स को चुका भी पाएं, तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है किसी इकोनॉमी के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट, आप बैंक्स की हिस्ट्री देख लीजिए तो कितने बैंक्स ने अपना हाथ जलाया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल के, तो वो सब देखने के बाद ही ऐसे कोई डिसीजन लेना चाहिए। जहां तक प्योर प्ले इकोनॉमिस्ट्स का सवाल है, जहाँ तक बहुत ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का सवाल है और ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट्स जिस तरह से इसको देखते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स को ऐसी चीजों में नहीं डाला जा सकता और ना ही डालना चाहिए। तो फॉरेक्स रिजर्व तो क्या मतलब ऐसा तो हो, मतलब मुझे थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूजन होता है कई बार कि क्या फॉरेक्स रिजर्व हमेशा के लिए सिक्योर फंड है इंडिया का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, उसके लिए कुछ और भी नहीं। देखिए आप देखिए अगर भारत में हिस्टोरिकली अगर 2-3 डेकेड्स का वो देखें तो फॉरेक्स रिजर्व्स का टोटल जो हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट 650 बिलियन डॉलर का आया है, और मेजॉरिटी जो होता है इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, और वो पैसा जो है एक तरह से हॉट मनी माना जाता है। वो उसका मतलब है कि ये पैसा कभी भी किसी भी वक्त इधर से उधर होता है। इसके मुकाबले जो FDI से पैसा आता है देश के अंदर 760 बिलियन डॉलर का FDI भारत में निवेश हो चुका है। FDI का जो पैसा होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, वो आपके प्रोजेक्ट्स में जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है, आपके प्रोडक्ट क्रिएशन में जाता है, ऑटोमोबाइल्स में जाता है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है एकदम पलक झपकते आपके देश से बाहर नहीं जा सकता है। वाह, जस्ट इन कंपैरिजन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो जो इसीलिए उसको हॉट माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी वक्त जब अपॉर्चुनिटी बाहर बेटर मिलती है भारत के मुकाबले वो पैसा यहाँ से फ्लाइट होता है। तो वो जो रिजर्व्स में अगर आपका FII का शेयर ज्यादा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। बेसिकली वो पैसा
जितनी तेजी से आया है उतनी तेजी से जा भी सकता है। ओके, यानी जो पैसा आया है उतनी तेजी जा सकता है, उस पर बहुत ज्यादा इसरार करने की जरूरत नहीं है इसका, ये कहीं भी मतलब इस वोलेटिलिटी भरे समय में उसका कैसे भी कभी भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जब हम शायद जब हम ज्यादा ही अनश्योर समय में जी रहे हैं, जहां पर श्योरिटी नहीं है कि हम 15-20 दिन बाद कहाँ होंगे। जी चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि तीसरा जो आज का टॉपिक है वो मेरे आज के सुबह के ईमेल से जुड़ा हुआ है। सुबह मैं बैठ के ईमेल चेक कर रहा था, जिस पर इसके बाद मैं राजीव जी को मैसेज भी डाल दिया था। हुआ क्या कि मेरे बैंक से एक ईमेल आया था राजीव जी, और वो ईमेल में लिखा हुआ था इन्वेस्ट इन दिस दिवाली इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और फिर मैंने देखा और मैंने अपने एक दूसरे बैंक का ईमेल चेक किया तो वहां पर भी ये ऑफर था। फिर मुझे लगा कि क्या मैं कोई खास कस्टमर हूँ क्या बैंक का। फिर मैंने 2-3 किस्म के अलग अलग लोगों को फोन किया कि यार क्या हो रहा है, आपके यहाँ कुछ ऐसा बैंक क्या बोल रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास SMS आया है, कुछ लोगों ने कहा हमारे पास ईमेल आया है, फोन आया है, और बैंक कह रहे हैं गोल्ड बॉन्ड खरीदिए इस दिवाली पर। तो मैंने आपको मैसेज कर दिया कि राजीव जी इस पर ही बात किया जाएगा आज। तो सबसे पहला सवाल लोगों को अगर जानना हो, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उनका बैंक उनको बोल रहा है, क्या है ये गोल्ड बॉन्ड और ये नया बूम क्या है राजीव जी? देखिए, गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 के बजट में शुरू की गई थी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हम भारत का जो बोलते हैं कि भारत का गोल्ड रिजर्व, जो इंडिविजुअल्स के पास जो गोल्ड रिजर्व है, जो हम कलेक्ट करते रहते हैं अपनी पूरी जिंदगी, 1 ग्राम ये 2 ग्राम वो करके पूरा पूरा पूरी लाइफ टाइम में जो हम कलेक्ट करते हैं, वो माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा रिजर्व है। लेकिन उसको मोनेटाइज करने का या उसको किसी भी तरह से उसको इकोनॉमी में प्रोडक्टिव वे में लाने का कोई तरीका नहीं था। तो सरकार ने ये सोचा कि अगर हम ऐसे इंसेंटिव दें गोल्ड इन्वेस्टर्स को कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बजाय इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, और उसकी बैकिंग सरकार गोल्ड खरीद के अपनी अपनी रिजर्व से करे, तो ये दोनों सरकार के लिए भी अच्छा है और उस पैसे को प्रोडक्टिव जगह में लाने के लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें सरकार ने इंसेंटिव की तरह उसको 2.5% पर एनम का फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पर एनम आपको दिया। उसमें उन्होंने कहा कि ये गोल्ड बॉन्ड्स जो है आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट करिए, 5 साल के बाद आप उसको बेच सकते हैं किसी भी जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्लस आपको 2.5% जो मिलता है, जो कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने का नहीं मिलता। तो सरकार ने कहा ये इंसेंटिव अच्छा होगा लोगों के लिए। तो गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है तब से चली आ रही है और हर 6 महीने में सरकार इसका RBI इसको नया स्कीम निकालती है, और उसमें पिछले कुछ टाइम से वो शायद मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार करोड़ हर स्कीम में उसको उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये इस एक तरह से अगर आप इसका इसका अट्रैक्शन देखें तो वो ये है कि 2015 में जब स्कीम निकली थी तो गोल्ड की प्राइस उस वक्त 26,000 रुपये 10 ग्राम की गोल्ड की 24 कैरेट की उस वक्त उतनी थी, 26,000 कुछ रुपया। इस वक्त गोल्ड 50 के ऊपर जा चुका है, अभी थोड़ा सा 50 के नीचे रहा, 49,000+। लेकिन गोल्ड की प्राइस जो है इतने साल में, 4-5 साल में 6 साल में ऑलमोस्ट डबल के ऊपर भी जा चुकी है, अब इस वक्त ऑलमोस्ट डबल के रेंज में है। तो किसी भी तरह से गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कोई नुकसान का सौदा नहीं माना जा सकता, और इसीलिए अगर आप देखिए जो बैंक्स हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है अपने अपने क्लाइंट्स को, अपने अपने डिपॉजिटर्स को ये बताने के लिए कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है, और इसमें जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें आपको जो अप्रिसिएशन होता है गोल्ड का वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको 2.5% पर एनम के हिसाब के रेट से जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसका भी रिटर्न मिलेगा, सरकार की तरफ से गारंटी रेट ऑफ रिटर्न है। दूसरा वो ये बोलते हैं कि अगर आप डिजिटल मोड से इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो भी रेट उस वक्त का होगा उसमें से 50 रुपये कम में आपको वो पर ग्राम का गोल्ड मिलेगा।
तो हर तरह से जो जो बैंक्स जो हैं पुश कर रहे हैं स्कीम को, वो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए, अगर वो बहुत ज्यादा इस बात में विश्वास नहीं करते कि आपके पास गोल्ड इन गोल्ड फॉर्म ही होना चाहिए, तो अगर आप 5 साल हर साल अगर इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो 5 साल में आप उस स्टेज पर आ जाएंगे कि हर साल आपके पास उतनी वैल्यू का गोल्ड अवेलेबल होगा मोनेटाइज करने के लिए, गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल होगा मोनेटाइज करने के लिए, और 8 साल के बाद एनी विच वे आपको उसका रिटर्न प्लस 2.5% पर एनम के हिसाब से रिटर्न सरकार जो इंटरेस्ट गारंटी करती है, वो दोनों आपके खाते में आएंगे। नहीं नहीं तो मेरा मेरा सवाल ही यही था कि मतलब गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के सामने मतलब सोने का सिक्का उसका रख नहीं पाएंगे ना जी, यही तो यही मैं यही कहने वाला था आपसे। अगर अगर आप मान लीजिए आप 10 ग्राम का सिक्का खरीदते हैं, या जो भी, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं धनतेरस पर हर साल, मान लीजिए आप 10 ग्राम की बजाय 1 ग्राम का सिक्का खरीद लें और बाकी गोल्ड बॉन्ड स्कीम में अगर आप डालते हैं, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ना ही आपका जो अप्रिसिएशन है उसके ऊपर 2.5% पर एनम का आप रिटर्न एडिशनल उसमें अर्न कर सकते हैं। तो जिस वक्त इस वक्त में जब आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट 4-4.5% दे रहा है, तो 2.5% का इंटरेस्ट ऐसे एसेट में जो कि नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट करते ही, जैसे ही आप उसमें पैसा डालेंगे, उसका अप्रिसिएशन के अलावा उसका आपको कोई और रिटर्न मिलने वाला नहीं है। यहाँ सरकार आपसे बोल रही है कि आप अप्रिसिएशन तो आप पूरा लीजिए, उसके ऊपर से सरकार आपको 2.5% एडिशनल देना चाहती है। तो उसको नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स को प्रोडक्टिव वे में, इकोनॉमी में, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डालने के लिए ये पूरा पूरा प्लान किया गया था, और मेरे ख्याल से एक तरह से उसकी रीजनेबल सक्सेस आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है इस पे, फिर हम बातचीत को समाप्त की ओर ले चलेंगे। आखिरी सवाल ये है कि ठीक है, सरकार की गारंटी है, बैंकों की गारंटी है, बैंकिंग रेगुलेटर की गारंटी है, और तमाम आपका तमाम तरह के एश्योरेंसेस है, लेकिन जितना अनइवन टाइम है राजीव जी, और जितना वोलेटाइल मार्केट है, तो क्या इस वोलेटिलिटी और इस अनइवननेस का कोई असर पड़ेगा इस पूरे शिराजे? देखिए, गोल्ड की प्राइस ऑलरेडी मेरे ख्याल से 56,000, मेरे मुझे ध्यान आता है कि 56 तक जा चुकी थी, और इस वक्त 50 के नीचे है। तो अगर आप सिर्फ गोल्ड के इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो पिछले जो देखिए, एक उसका मेन रीजन जो हम पिछले एपिसोड्स में भी बात करते आ रहे हैं, कि जब भी इकोनॉमिक डिसोनेंस होता है, किसी तरह का डिस्टरबेंस होता है इकोनॉमी में, तो लोग सेफ हेवन की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं, और वो सेफ हेवन हमेशा से गोल्ड या सिल्वर को, अब तो सिल्वर को भी बहुत अच्छा सेफ हेवन माना जा रहा है, क्योंकि सिल्वर का इन्वेस्टमेंट पिछले साल तो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट से भी बेटर रिटर्न दिया है उसने। तो जो जब भी ऐसी कोई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है, तो वो सेफ हेवन की तरफ इन्वेस्टमेंट होता है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं जो गोल्ड की प्राइस शूट अप हुई है पिछले 5 साल में, उसका मेन मेन रीजन कि पिछले साल 6 साल में ही इकोनॉमी, 2016 से हमारी इकोनॉमी की इकोनॉमिक स्लोडाउन शुरू हुआ, और 2015 में स्कीम आई थी, तो उसका मेन रीजन आप ये मान सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से लोगों ने सेफ हेवन में इन्वेस्ट किया, और गोल्ड बहुत बहुत मेजर, गोल्ड एंड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स खास तौर से बहुत मेजर सेफ हेवन माना जाता है। हमारे यहाँ तो सदियों से गोल्ड का इन्वेस्टमेंट बहुत हाँ, बहुत ही रखा हुआ पैसा कहा जाता है उसको। बिल्कुल शुभ माना जाता है, और सेफ माना जाता है। जी चलिए, तो ये था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आपकी तमाम शंकाओं का निवारण निवार तमाम शंकाओं का निवारण करने की कोशिश थी हमारी ये, और अडानी रिपोर्ट्स पर बातचीत थी, और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर थोड़ी बातचीत थी। आपको कैसी लगी ये बातचीत हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, इस तरह का कोई मैसेज और ऐड देखकर आपको भी कंफ्यूजन हुआ हो, तो लिखिएगा, मैं और राजीव जी उस पर बातचीत करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।